चैनल और जैसे कि मैं देख रहा हूँ गाइस, आजकल आप लोग सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो, जो कि मेरी एक छोटी सी कंप्लेंट है आप सबसे। प्लीज़ यार, आपके छोटे भाई का चैनल है, छोटा दोस्त समझ लो, कुछ भी समझ लो, बट यार सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार प्लीज़। ऐसे मत करो अपने छोटे भाई के साथ, प्लीज़ थोड़ी सी रख लो लाज। और मैं क्या कह रहा था कि आज हम निकल रहे हैं सूरज कुंड के लिए। मैं फुल टूर देने वाला हूँ सूरज कुंड का, और मतलब जितना हो सकता है उतना दिखाऊंगा मैं इन डेप्थ, कैसा क्या है क्या है। और मैंने सुना है कि हमें शायद भी VIP टिकट मिलने वाली है, आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता। एक दोस्त ने बोला है कि वो दिलवाएगा, लेट सी क्या होगा वहाँ पे। अगर मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं मिली तो अपन टिकट खरीद के चले जाएंगे, इट्स ओके। बट अभी हम जा रहे हैं सूरज कुंड, और एक बार चेक कर लो अपने भाई का आउटफिट, ऐसा कुछ लग रहा है। एंड फटाफट से निकलते हैं, शूज़ पहनते हैं फटाफट और निकल रहे हैं। एक कॉफ़ी पी लेते, बिकॉज मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं अभी पूरे दिन नहीं सोया हूँ। और मैंने अभी नाइट शिफ्ट की मेरी शक्ल देख सकते हो आप, कितनी ज़्यादा नींद में हो रखा हूँ। बट इट्स ओके, अभी हमें घूमने जाना है, सूरज कुंड जा ही रहे हैं। बिकॉज आपके लिए भी ब्लॉग काफ़ी टाइम से रह रहा था, पेंडिंग हो गया था, तो इसलिए भी अभी जाना था, तो आप निकल रहे हैं फटाफट से। छोटा सा इंट्रो था, बाकी सपोर्ट दिखा दो यार अपने भाई के चैनल पे, प्लीज़ जल्दी कर दो। और मिलते हैं आप सीधा आपको बाहर वहीं पे, और एक दो बाइक के सिनेमैटिक्स वगैरह डाल देता हूँ और सीधा वहीं मिलेंगे। बिकॉज़ बिना किसी देरी के, बिना किसी उसके, फटाफट से मिलते हैं आपको। ओके गाइस, मिलते हैं, सी यू सून गाइस। अपनी कॉफ़ी जो आ चुकी है, फटाफट से इन्जॉय करते हैं और अब निकलेंगे कॉफ़ी के बाद। और अभी फैमिली वाले मतलब घर वाले सो रहे हैं, मम्मा सस्टर, तो इसलिए यहाँ पे व्लॉग कर रहा हूँ मैं गैलरी में। कॉफ़ी देख लो अगर, बहुत टेम्पटिंग सी लग रही है मेरे को तो। लेट सी, पी के बता दो कैसे। सीरियस भाई, कॉफ़ी बहुत ओके बनी है, मतलब पूरा रिफ्रेश हो गया और अभी थोड़ी लग गई। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ मतलब फटाफट से निकल के, और मतलब कॉफ़ी लाइक अल्टीमेट, इसे इन्जॉय करते हैं और निकलते हैं यहाँ से एंड चलते हैं। मेरी आँखें थोड़ी नींद हो रही होंगी तो प्लीज़ आई डोंट माइंड, काफ़ी दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ बताया, मतलब थोड़ी तबीयत वगैरह भी ख़राब थी बीच में, इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। बाकी लेट सी क्या होता है। बाय बेबी, आप ध्यान रखना, अभी आता हूँ मैं। ओके बेबी बाय, गेट बंद कर ले, अभी आ रहे हैं भैया, ठीक है, वेट करियो, लव यू, ले ऑल यू, ले अभी आ रहा हूँ, है बाय बेबी, बाय बडू, बडू बाय, गुस्सा नहीं, अभी आ रहे हैं ना भैया, अभी आ रहे हैं, ठीक है। बाइक तो निकाल ली पार्किंग से बाहर, फटाफट से कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं एक बार। अरे चलते हैं, पार्किंग करता हूँ लॉक, और बेस्ट पार्ट देखो वो देखो बड़ी कैसे वेट कर रहा है। बड़ू, मैं जब भी जाता हूँ ना तो हमेशा वेट ही कर रहा होता है ऐसे, बट एक छोटे भी मिलते हैं इससे। फाइनली गाइस अपन पहुंच गए यहाँ पे, और ऐसा कुछ मॉल है
बहुत भीड़ है यार यहाँ पर। अपन को टिकट तो मिल गई है VIP एंट्री हुई है भाई, और सही बताऊँ तो बहुत कटा है हमारा उसके बाद जाके हुई, बट ठीक है हो गई। और भाई मैं बता रहा हूँ अपनी बाइक वाइक को बताना है, यहाँ पे ओला उबर में आ जाना ज़्यादा बेस्ट है। 100-100 रुपये पार्किंग के ले रहे हैं, गाड़ी के 200 रुपये ले रहे हैं, बहुत महंगी पार्किंग। और पार्किंग क्या ही बोलूँ मैं पार्किंग के बारे में, तो पार्किंग बहुत ही बुरी पार्किंग। देख लो भाई आज कुछ एंट्रेंस है यहाँ से ये, और ये रही कुछ एंट्रेंस यार। भाई अपनी एम्बुलेंस का भी पूरा वो रखा है सिस्टम, मतलब कोई भगवान ना करे किसी को इमरजेंसी हो। और बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ है, डोमिनोज की वैन भी खड़ी है विच इज़ समथिंग यूनिक, फर्स्ट टाइम देखी है मैंने ऐसे। ये डोमिनोज का पिज्ज़ा मिल रहा है, वैन वाला डोमिनोज, नाइस यार। और इधर आए फायर विकेट, और ये एंट्रेंस गेट है जो मेन एंट्रेंस गेट है आफ्टर टिकट चेकिंग एंड ऑल। देख लो भाई ऐसा कुछ है, अभी अंदर जाके दिखाता हूँ। गाने वाने बज रहे हैं यहाँ पे बहुत स्लो, और मेरे ख्याल से जो झूले हैं ये रात में ऑन होते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बाकी आप देख लो एक बार, काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं। ये देखो ये दो जोकर वाले भाई मिल चुके हैं, जो कि पता नहीं भाई कहाँ जा रहे हैं। बैलेंसिंग देख रहे हो कितनी खतरनाक है इनकी भाई साहब, हाइट देखो एक बार, पूरा भी नहीं आ रहा। ये देखो जाया जा रहा है, बहुत ओके रिपोर्ट है भाई दोनों। ये देखो ये भाई देख रहे हो कैसे चल रहे हैं। अभी हमने मतलब बहुत सारा घूम लिया है, और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये इसको देख लो सबकी हालत खस्ता हो रखी है भाई, मानोगे नहीं इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है इस टाइम पे। मतलब अभी जहाँ बैठे हैं ना पानी पी के, कह रहे इतनी गर्मी पानी पी के दिखाना चाहिए, मतलब भाई इतना पागल है ना ये कदम, तो बता रहा लोगों को तो पता ही नहीं गर्मी है। मैं सच बता रहा इस टाइम पे भाई, मतलब इतना ज़्यादा भाई सब शुक्र है हमने टिकट नहीं खरीदी, हमने पास मिल गया, वरना तो भाई हमारे 120 रुपये डूब जाते हैं, मेरे को इतना कम होता ना। बट ठीक है ओवरऑल अच्छा है, नो डाउट बनाया बहुत अच्छा हुआ है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब एज यूजुअल हर बार की तरह ही, लेकिन बहुत गर्मी है इस बार, क्योंकि गाइस इस बार थोड़ा लेट लगा और हर बार फेब में लग जाता है, बट इस बार काफ़ी लेट लगा है, तो मे बी इसलिए भी थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, और इसलिए हम ज़्यादा इन्जॉय भी नहीं कर पा रहे। ठीक है दिखा दो, फाइनली गाइस स्प्राइट ले लिया, इतनी गर्मी का जुगाड़ सारे लगे पड़े हैं यहाँ पर, मिनट में खत्म। बिया से लिया हमने, सच बताऊँ तो यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट्स हैं, अगर आप लोग आ रहे हो ना जेन्युइनली कह रहा हूँ, सोच समझ के आना, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं एक बार आपको अगर बोलोगे तो रेट प्राइस दिखाई देता हूँ एक बार, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जी। ये सारे चार्जेस हैं, बाकी आप लोग एक बार पोस्ट करके पढ़ लेना क्यों इतना एक्सपेंसिव हो रखा है, इवन आई डोंट नो, बहुत टाइम बाद है मे बी इसलिए, पर आप इससे ही जजमेंट कर सकते हो कि कितना एक्सपेंसिव है। Yeah.
अंदर का कैसे सीन, प्रॉपर इनकी पुराने जमाने की सेटिंग्स है। और यहाँ पे हुक्का वगैरह लगा हुआ है खाने पीने का, और ये भी है। और यहाँ से ऊपर जाने का बढ़िया भी बंद कर रखा है ड्यू टू द कोविड रीजंस, सामान पड़ा हुआ है ये। स्पेशल परमिशन लगेगा इस मंदिर आए यहाँ पे ना, ये कोई भी नहीं है देख लो। आपको सारे स्टोर्स देखने को मिल जाएंगे, उज्बेकिस्तान का स्टोर है ये रहा, और ये सब यहाँ पे वैरायटीज हैं ये आप देख सकते हो। ये हरियाणा टूरिज्म है जिसकी मतलब जिसके थ्रू हम लोग आए हैं, जिनके थ्रू हमें एंट्री मिली है यहाँ पे फ्री में। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस, दिस इज बेसिकली लाइक मेड फ्रॉम महिला मे बी विरासत हेरिटेज हरियाणा। ओके ये चरखा का था ये कुछ का, इस मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये भी कुछ अच्छा सा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। हमने ऑलमोस्ट पूरा घूम लिया और अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से एंड चलते हैं अपने घर, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया। और ये जो है ना मतलब इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, तो इसीलिए हम निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए। कैसा लगा आपको व्लॉग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, एंड मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय गाइज़।